सोलर गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो डिवाइस के अंदर आप फिंगरप्रिंट से अपने कॉल को रिसीव कैसे कर सकते हैं। दैट मींस अगर कोई इनकमिंग कॉल्स आ रही है, अगर आप चाहते हैं उसको रिसीव करना, तो एक बार फिंगर को अपने टच करेंगे जहां पर पावर बटन के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर है साइड माउंटर वाला, अगर उसको क्लिक कर देते हैं, एक बार टच करेंगे तो आपकी जो कॉल है ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाती है। कहीं ना कहीं एक स्मार्ट कॉल जैसा ऑप्शन है और स्मार्ट कॉल का भी ऑप्शन इसके अंदर है। मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कभी, जिसमें बताऊंगा स्मार्ट कॉल के ऑप्शन को यूज कैसे करना। फिलहाल हम बात करते हैं इसमें फिंगरप्रिंट से कॉल को रिसीव कैसे करना है, जिसके लिए हमें सेटिंग्स को ओपन करना होगा। एक सेटिंग्स मिलेगी सिम एंड नेटवर्क सेटिंग्स, आप इसको प्रेस करेंगे। अगेन आपको नीचे आना है, एक और सेटिंग्स मिल जाएगी कॉल सेटिंग्स, हम इसको प्रेस करेंगे, जिसमें यहाँ पर एडवांस सेटिंग का भी एक ऑप्शन मिलेगा जो करियर फीचर्स के नीचे है, देख सकते हो ऊपर उसके एडवांस सेटिंग, इसको क्लिक कर लेना। पहला ऑप्शन हमें मिलता है आंसर कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट, तो ये है व्हेन इनकमिंग कॉल इज द डिस्प्लेड इन द फुल स्क्रीन यू कैन आंसर विद योर फिंगरप्रिंट। फुल स्क्रीन में अगर आपकी कॉल आएगी तब ये फिंगरप्रिंट जो है काम करेगा, फिंगरप्रिंट से हम कॉल को रिसीव कर सकते हैं। जैसे हमारे डिस्प्ले पे एक हाफ कॉल भी आती है और मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा कैसे यूज करना है। हालांकि 12 में आपको बना के दिखाया हूं ऑलरेडी, प्रो में अभी नहीं बताया हूं, लेकिन प्रो में भी आ जाएंगी वीडियो। तो फुल स्क्रीन कर लेना, फुल स्क्रीन की कॉल आएगी तब आप फिंगरप्रिंट से कॉल को रिसीव कर सकते हो। और गाइज इसको ऑन करना है, बस यहीं से ऑन कर दीजिए, ये ऑन हो जाएगा और आप जब भी कोई कॉल आएगी फिंगरप्रिंट को टच करेंगे और आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी। आई होप गाइज आप समझोगे कैसे सेटिंग्स को यूज करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।